बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम योर टीचर ऑफ क्लास वन पामलाइट स्कूल कैली कैंपस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। ओपन योर बुक एट पेज 32। टुडेज अवर टॉपिक इज द लिटिल क्रो, पार्ट वन। इसका ये पार्ट है लिसन एज यू रीड द स्टोरी। इस स्टोरी को सुने, देन आंसर दिस क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन को आंसर करें, हाउ डू अली एंड एडम हेल्प द क्रो, कि किस तरह अली और एडम ने जो है वो क्रो की हेल्प की थी। अब इस स्टोरी में आपको बताया जाएगा कि इन दो लड़कों ने इस कौवे की किस तरह से हेल्प की। ऑन मंडे अली एंड एडम आर एट स्कूल। वो स्कूल में थे मंडे को, अली और एडम। दे प्ले अंडर अ बिग ट्री। वो एक बड़े से दरख्त के नीचे खेल रहे थे। दे लुक डाउन, वो नीचे उन्होंने नीचे देखा। व्हाट्स दैट, आस्क अली, अली ने पूछा ये क्या है। इज़ इट अ बर्ड, क्या ये एक परिंदा है। आस एडम, एडम ने पूछा। इट इज़ अ बर्ड, क्या ये एक परिंदा है। येट्स इट्स अ लिटल बर्ड, सेज अली, अली ने कहा हाँ ये एक छोटा सा परिंदा है। इट्स स्टक्स इन अ प्लास्टिक बैग, ये एक प्लास्टिक के बैग में अटक चुका है। लेट्स हेल्प इट, चलिए इसकी हेल्प करते हैं, सेज एडम, एडम ने कहा। दे गो टू मिसिस खान, वो मिसिस खान के पास गए जो कि उनकी टीचर है। मिसिस खान, दे से, उन्होंने उनको बुलाया अपनी टीचर को। देयर इज़ अ बर्ड अंडर द ट्री, उस ट्री के नीचे एक बर्ड है। टेल मी अबाउट इट, शी सेज, उनकी टीचर ने उनसे पूछा। टेल मी अबाउट इट, कि मुझे उसके बारे में बताओ। इट्स हैज़ ब्लैक विंग्स, उसके जो हैं वो ब्लैक कलर के काले रंग के पर हैं। सेज एडम, एडम ने कहा। इट्स सक्स इन अ प्लास्टिक बैग, सेज अली, अली, अली ने कहा कि वो प्लास्टिक बैग में अटक चुका है। मिसिस खान लुक्स एट दैट बर्ड, उन्होंने उस बर्ड की तरफ देखा। दैट्स अ लिटल क्रो, शी सेज, उन्होंने कहा ये तो एक छोटा सा क्रो है। कॉ कॉ, दे लुक अप इन टू द ट्री, उन्होंने ऊपर दरख्त की तरफ देखा, ये ऊपर उन्होंने देखा। द अ बिग क्रो इज़ लुकिंग डाउन, एक बड़ा सा कौवा जो है वो नीचे की तरफ देख रहा था। इट लुक्स सैड, और वो जो है वो उदास भी था। कॉ कॉ, इट्स सेज, और वो फिर से वो आवाज़ निकाल रहा था। दैट्स इट्स मदर, सेज मिसिस खान, ये इसकी माँ है, मिसिस खान ने कहा। पुअर क्रोज, बेचारे कौवे, सेज एडम, एडम ने बोला बेचारे कौवे। लेट्स हेल्प देम, सेज अली, अली ने कहा चलो इनकी मदद करते हैं। मिसिस खान टेक्स द बर्ड आउट ऑफ द बैग, मिसिस खान ने उस बैग में से उस बर्ड को निकाला। इट इज़ अ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर था। इट कैन नॉट फ्लाई, और वो उड़ भी नहीं था सकता। दे टेक द लिटिल क्रो टू द क्लासरूम, वो उस छोटे से क्रो को कहाँ पर ले गए, क्लासरूम में ले गए। दे पुट इट इन अ बॉक्स, उन्होंने उसको एक बॉक्स में रख दिया। व्हाट डू क्रोस ईट, क्रोस क्या खाते हैं। आस्क एडम, एडम ने पूछा अपने टीचर से कि ये क्या खाते हैं। क्रोस ईट लॉट्स ऑफ फूड, क्रोस जो है वो बहुत तरह के जो हैं वो खुराक खाते हैं, मिसिस खान, मिसिस खान ने बताया। दे ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट खाते हैं, नट्स बादाम वगैरह खाते हैं, एंड सीड्स और बीज वगैरह खाते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स, वो हशरात भी खा लेते हैं, स्पाइडर्स भी खा लेते हैं, मकड़ी भी, एंड स्नेल्स टू, और घूंघे वगैरह भी खा लेते हैं। ठीक है, ये सारा उसके टीचर ने उसको उन बच्चों को इन्फॉर्म किया कि ये कौवा क्या क्या चीज़ें खा सकता है। द बॉयज़ गिव द क्रो सम बनाना, उसने उसको कुछ बनाना दिए, ठीक है, थोड़ा सा बनाना दिया। द लिटिल क्रो सिट स्टिल, मतलब वो कौवा अभी भी बैठा रहा, मतलब वो हिला नहीं अपनी जगह से उसको खाने के लिए। इट्स आइज़ आर शट, और उसकी आँखें भी बंद थी। इट डज़ नॉट ईट, और वो उसको खा भी नहीं था रहा जो उन्होंने उसको बनाना दिया था। बट इट इज़ थर्स्टी, लेकिन वो प्यासा था। इट ड्रिंक्स वाटर फ्राम अ स्पून, उसने चम्मच से पानी पिया, ठीक है, उन्होंने चम्मच में पानी डाल के उसके आगे किया होगा और उसने उससे पानी पिया होगा। वैन दे गो होम, जब वो घर चले गए, दे बनाना इज़ नॉट देयर, जब वो घर चले गए तो वहाँ पर बनाना जो था वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो उसको जब वो घर चले गए तो वो रात के टाइम में उसने जब भी उसको भूख लगी होगी कौवे ने वो खा लिया होगा। ऑन ट्यूसडे अली एंड एडम रन्स टू स्कूल, दे ब्रिंग सम नट्स एंड सीड, जब ट्यूसडे को, मंगल को अली और एडम जब स्कूल गए, दे ब्रिंग सम नट्स, वो अपने साथ कुछ नट्स लेकर गए, बादाम वगैरह कुछ ऐसे चीज़ें लेकर गए, एंड सीड्स वगैरह लेकर गए, ठीक है। दे गिव द नट्स एंड सीड्स टू द क्रो, उन्होंने क्रो को वो दोनों चीज़ें दी। इट ओपन्स वन आई, उसने क्या अपनी एक आँख खोली। इट ओपन्स वन आई, एट फर्स्ट इट डज नॉट ईट, बट इट ड्रिंक्स सम वाटर फ्राम अ स्पून, एट फर्स्ट पहले तो उसने कुछ भी ना खाया, ठीक है,
बट इट ड्रिंक सम वाटर फ्राम अ स्पून, लेकिन उसने जो थोड़ा सा पानी जो है वो स्पून से पी लिया. वैन दे गो होम, जब वो चले गए, द नट्स एंड सीड्स आर नॉट देयर, जब वो वहाँ से चले गए तो बाकी पीछे जो नट्स और सीड्स वो जो वो उसके लिए छोड़ गए थे वो उसने पीछे से फिनिश कर लिए. ठीक है, वो उनके सामने वो नहीं था खाता, वो बाद में खा लेता था. आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.